दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घर पर टीम इंडिया की शर्मनाक हार के बाद भड़क गए हैं भारतीय दिग्गज। रोहित शर्मा से लेकर केएल राहुल की शर्मनाक बल्लेबाजी पर जमकर गुस्सा निकाले हैं भारतीय दिग्गज। तो आखिरकार सुनील गावस्कर से लेकर हरभजन सिंह, युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग जैसे महान खिलाड़ियों ने क्या बोला है टीम इंडिया की शर्मनाक हार पर, आइए चलिए दिखाते हैं उनके बयान का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला खेला गया। खेले गए इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला तब किया जब काफी ज्यादा बारिश हो गई थी और पहला दिन बारिश के चलते धुल गया था। तेज गेंदबाजों को मदद होने के बावजूद रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसका नतीजा ये रहा कि पूरी टीम 46 रनों पर ऑल आउट हो गई। मैट हेनरी ने 4 विकेट लेकर तहलका मचा दिया। न्यूजीलैंड की टीम ने जब दूसरी पारी में बल्लेबाजी की तब ताबड़तोड़ अंदाज में उन्होंने 402 रन बना दिए, लेकिन तीसरी पारी में कमबैक करते हुए भारतीय टीम ने 462 रन बनाए। सरफराज खान ने 150 रन की पारी खेली, पंत ने 99 रन बनाए, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी लगाई। भारतीय टीम ने 107 रनों की बढ़त जरूर हासिल की, लेकिन ये न्यूजीलैंड को हराने के लिए काफी नहीं थे। न्यूजीलैंड की टीम ने शानदार क्रिकेट खेलते हुए भारतीय टीम को भारतीय सरजमीं पर 36 साल बाद किसी टेस्ट मुकाबले में हराया। जी हां, आपको बता दें न्यूजीलैंड की टीम ने इस मुकाबले को 8 विकेट से जीतकर भारतीय टीम को ऐसा जख्म दिया है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता, जिसके बाद अब भारतीय दिग्गजों ने भी बड़ा बयान दे डाला है। आपको बता दें वीरेंद्र सहवाग ने बड़ी बात कही, उन्होंने कहा ये सब ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है। जब दिख रहा था कि ओवरकास्ट कंडीशन है, काफी ज्यादा बारिश हुई है, तो उसके बावजूद क्या जरूरत थी पहले गेंदबाजी नहीं बल्कि बल्लेबाजी करने का फैसला करने का। ये रोहित शर्मा का ओवर कॉन्फिडेंस झलक रहा था, नतीजा ये रहा कि हमारी टीम एक क्रूशल मुकाबला हार गई। WTC में ये काफी ज्यादा अहम था और मैं सबसे पहले KL राहुल को टीम से बाहर करूंगा। जब टीम कोलैप्स हो रही होती है तो वो भी उसके साथ कोलैप्स हो जाते हैं, उनको बल्लेबाजी करने ऐसा लगता है कि उस वक्त आता ही नहीं है। अगले मुकाबले में मैं वकालत करता हूं कि KL राहुल को बाहर बिठा देना चाहिए। दोस्तों वीरेंद्र सहवाग के बाद युवराज सिंह ने बड़ा बयान दिया। युवराज सिंह ने कहा 36 सालों बाद ऐसी दुर्दशा देखने को मिली है, हमारी टीम ने इतना खराब पहले कभी नहीं खेला था। जस टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, सरफराज खान जैसा युवा खिलाड़ी भी हो, उस टीम को यदि कोई हरा सकता है तो उसका घमंड, क्योंकि हमारी टीम अपने घमंड के चलते ही हारी है, ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हारी है। अगर हमने न्यूजीलैंड को हल्के में नहीं लिया होता तो शायद नतीजा कुछ और हो सकता था। दोस्तों युवराज सिंह के बाद सुनील गावस्कर ने बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा केवल बीच मैदान में अंपायर से लड़ने से कोई मुकाबला नहीं जीत जाता, उसके लिए अच्छा खेलना भी जरूरी होता है। पहली पारी में हमारी भारतीय टीम केवल 46 रनों पर ऑल आउट हो गई और ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया जिसको कभी बदला नहीं जा सकता। मैं रोहित शर्मा से ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या सोचकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था, और मैं हैरान हूँ कि KL राहुल को बार बार टीम इंडिया क्यों ढो रही है। आखिर में उनके अंदर ऐसा क्या है जो बाहर बैठे बल्लेबाजों के अंदर नहीं है, वो सब प्रदर्शन करने के लिए बेताब हैं। अगले मुकाबले में जब शुभमन गिल वापसी करेंगे तब मैं चाहूंगा कि KL राहुल को बाहर बिठा दिया जाए। ये बेहद ही घटिया प्रदर्शन था हमारी टीम की तरफ से, हमारे गेंदबाजों ने कोई मैजिकल गेंदबाजी नहीं की। अगर ऐसा हुआ होता तो शायद मुकाबला हम जीत जाते, हारना कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन यदि आप 46 रनों पर ऑल आउट हो जाए तो ये गलत है। दोस्तों सुनील गावस्कर के बाद हरभजन सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा भारतीय टीम को भारतीय सरजमी पर कोई इस तरीके से हरा दे ये दिन भी देखना पड़ेगा, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। हमारी टीम 36 रनों पर ऑल आउट हो गई थी ऑस्ट्रेलिया में, और उससे ज्यादा 10 रन बनाकर यहाँ पर एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हमारी पूरी भारतीय टीम ऑल आउट हो गई, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बल्लेबाज थे। इससे घटिया और शर्मनाक प्रदर्शन मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। दोस्तों भारतीय टीम की हार पर भारतीय दिग्गज बेहद गुस्से में दिखाई दिए हैं। टीम इंडिया के पूर्व महान खिलाड़ियों का ये मानना है कि भारतीय टीम के अंदर से KL राहुल को बाहर कर देना चाहिए। वैसे आपका क्या मानना है, क्या KL राहुल को एक और मौका देना चाहिए या फिर उन्हें बाहर बिठा देना चाहिए? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।